सो हाय फेलोज चेंगोज। सो गाइस पबजी मोबाइल के अंदर जो एक चीज़ हम सबको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है, आई थिंक वो चीज़ आप लोगों के लिए भी हैकिंग होगी और मेरे लिए भी हैकिंग है, जब रैंक पुश करो काफ़ी मुश्किल होती है हैकर्स की वजह से। लेकिन अगर सोचो पबजी मोबाइल हैकर्स को बैन करवाने के लिए, अगर आप लोग किसी हैकर को बैन कराते हो आपको बहुत ही तगड़े रिवॉर्ड्स देने लगे तो कैसा? मतलब यहाँ पे मैं कोई छोटी मोटी अचीवमेंट या कोई स्टीकर अवतार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही तगड़े रिवॉर्ड्स लाइक 10,000 UC हैकर्स को बैन कराने के लिए, या फिर 6,000 UC, या फिर एक बहुत ही अच्छा लेजेंडरी रिवॉर्ड्स वो भी परमानेंट। एंड ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, एक्चुअली पबजी मोबाइल ने कल के दिन एक पोस्ट डाला अपने डिस्कॉर्ड के ऊपर। एंड एक चीज बता देता हूं, ये चीज इंडिया वालों के लिए भी है, मींस पबजी मोबाइल इंडिया की भी मैं यहां पे बात कर रहा हूं। हालांकि पबजी मोबाइल का जो हमारा ऑफिशियल ग्लोबल वाला था उसके डिस्कॉर्ड पे आता, लेकिन मेंशन है वहां पे कि आप इंडिया से हो तो भी आप कर सकते हो, बिकॉज ओवरऑल जो गेम है वो है तो एक ही तरीके की। एंड साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में कि क्या पबजी मोबाइल इंडिया 2020 मतलब ये अब लास्ट मंथ चल रहा है इसका दिसंबर, क्या इसमें आ सकती है या फिर इसके क्या हम लोगों को आउटकम्स दिख रहे हैं, क्या हो सकता है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, अगर अच्छी लगे 10,000 लाइक का मैं कंप्लीट करा देना एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसा अमेजिंग कंटेंट देखते रहने के लिए। लेट्स बिगिन। तो गाइस इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो आई नो आप लोग काफी एक्साइटेड हो गए होंगे सबसे पहले तो सुन के, इतने खतरनाक रिवॉर्ड्स 10,000 UC 6,000 UC लेजेंडरी आइटम्स मतलब काफी अच्छे हैं वैसे तो, एंड वो भी जस्ट हैकर्स को बैन करने के लिए। एंड इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप लोग गेम को खेल रहे हो या नहीं खेल रहे, मींस अगर आपकी आईडी जस्ट आप लोगों ने पबजी मोबाइल ग्लोबल में बंद कर दी एंड आप लोग KR में आप लोगों ने मतलब नई आईडी नहीं भी बनाई है, एंड आपको ये चीज तो पता है कि आज नहीं तो कल पबजी मोबाइल इंडिया आने ही वाला है, थोड़ी बहुत चीजें हैं वगैरह वगैरह, फौजी की वजह से लेट हो रहा है, क्या हो रहा है आई डोंट नो। सो उसके बाद गेम आना तो है ही, एंड उसके बाद आप लोगों की जो ग्लोबल वाली आईडी थी आपने पबजी मोबाइल इंडिया में खोलनी है तो आप लोग तब भी इसको कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग अपनी आईडी डाल देते हो, जो आप लोगों की आईडी का जो टैग वो होते हैं, हम लोग का टैग एक नंबर लिखा होता है 6-7 ऐसे ऐसे करके, कोई 7-8 नंबर होगा, अगर वो डाल देते हो तो आपके अकाउंट के अंदर डायरेक्ट वो रिवॉर्ड चला जाएगा अगर आप लोग ये चीज करते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये जो 10,000 UC जीतने वाला किस तरीके से इसका पूरा फॉर्मेट रहने वाला है। तो गाइस यहां पे आप लोग एरर 40 नाम के यूजर का पूरा मैसेज देख सकते हो जो पबजी मोबाइल ऑफिशियल के डिस्कॉर्ड न्यूज में आया हुआ है, तो न्यूज वाले सेक्शन में आपको पता ही होगा, सिर्फ वो लोग डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकते हैं जो ऑफिशियल्स होते हैं, मतलब पबजी मोबाइल ऑफिशियल्स की तरफ से मैसेज आए, जहां पे इन लोगों ने बताया कि ये लोग काफी सिंसियर हैं, जो गेम के अंदर बैन बून मतलब जो हैकिंग वोकिंग होती है उसको वो लोग खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए चाहते हैं कि आप लोग भी उनके साथ कोलैब करो एंड हेल्प करो, जिसके लिए उन्होंने एक नया इवेंट शुरू किया जिसका नाम है बैन पैन रिवॉर्ड। तो ये काफी एक अच्छा इवेंट है, हालांकि इसका नाम बैन पैन ही है, इस टाइप का एक इवेंट आया था अपनी गेम के अंदर भी अगर आपको याद होगा, बट उसके अंदर सिर्फ हम लोगों को पता नहीं एक अवतार सा मिलता था, क्या चीज थी वो बेकार था, बट यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि जो ये इवेंट है ये चलने वाला है दिसंबर 2020 से मार्च मतलब 2021 तक, तो ये मान सकते हो आप लोग 3-4 महीने का इवेंट रहने वाला है। एंड देन इसके नीचे इवेंट्स की डिटेल्स लिखी हुई है कि यहाँ पे ये लोग ये चाहते हैं कि आप लोग इनको मतलब देखो पबजी मोबाइल हर जगह तो जा नहीं सकता, तो वो चाहते हैं कि आप लोग जो नॉर्मल यूजर्स हो, आपको पता होता है कि आपका फ्रेंड हैकिंग कर रहा है या फिर उसने हैक कहां से लिया, किस टेलीग्राम ग्रुप से लिया, कहां से इंस्टाग्राम से लिया, जहां से भी उसने लिया, तो उसको आप लोग कम करा सकते हो, लाइक आप लोग इनको रिपोर्ट करो, सिर्फ ये नहीं कि ये बंदा हैकिंग कर रहा है, आप लोग उनका मेन सोर्स को हैक करने को ही कह रहे हैं। लाइक इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको पता लगता है कि आपके फ्रेंड ने किस फेसबुक ग्रुप से या कहां से भी हैक को बाइक है, तो आप लोग डायरेक्ट उस फेसबुक ग्रुप को या फिर इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो भी है, मुझे पता नहीं है कहां पे मिलते हैं, तो वो वाली चीज आप लोग डायरेक्ट उसी जगह को नोटिस कर सकते हो, उसी जगह को आप लोग रिपोर्ट कर सकते हो। अभी रिपोर्ट करना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं प्रोसेस कैसे रहेगा। पहले आप लोग रिपोर्ट करोगे, देन पबजी मोबाइल ऑफिशियल्स उसको वेरीफाई करेंगे, देन उसके बाद यहां पे रिवॉर्ड का टाइम आता है, जो भी बंदा जो कि सबसे अच्छा वर्क करेगा इस वाले इवेंट के अंदर उसको 10,000 UC का रिवॉर्ड मिलेगा, जिसका नाम होगा MVP देंगे उसको कि जिसने सबसे अच्छा काम किया। लेकिन सिर्फ इतना ही रिवॉर्ड नहीं है यहाँ पे, उसके बाद इनकेस अगर आप लोग टॉप 5 में आते हो जिन्होंने काफी अच्छा काम किया, तो आपको 6,000 UC मिलेंगे जो कि आपकी डायरेक्ट आईडी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, एंड एक्चुअली पबजी मोबाइल ऑफिशियल्स ही कह रहे हैं तो मतलब आप लोग समझ लो बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड उसके अलावा आप लोगों को साथ ही साथ एक लेजेंडरी कोई भी आउट मिल सकता है, आउटफिट मिल जाए, कोई गन की स्किन मिल जाए, हो सकता है M4 ग्लेशियर ही मिल जाए, आई डोंट नो कुछ भी मिल सकता है, लेकिन वो आपको मिलेगा बिल्कुल, एंड वो परमानेंट होगा, ऐसा नहीं कि 7-8 दिन के बाद चला जाएगा, वो परमानेंट रिवॉर्ड रहेगा, तो ये काफी एक अच्छी चीज है। एंड उसके बाद आप लोगों को ये लोग ये बताने कि जो भी रिवॉर्ड जीतेगा मतलब जिस बंदे ने भी सबसे अच्छा वर्क किया है, जो भी रिवॉर्ड जीतेगा ये लोग अपने सोशल्स पे बताएंगे कि हाँ, जैसे उनका इंस्टाग्राम हो गया वगैरह वगैरह, जैसे डिस्कॉर्ड हो गया, तो वहां पे वो लोग बताएंगे कि हाँ भाई आप लोग जीत चुके हो, एंड वहां पे वो लोग अनाउंस करेंगे। एंड आप लोग जब रिवॉर्ड जीत जाओगे तो उसके 15 बिजनेस डेज मतलब आप लोगों को पता होगा कि 1 से लेकर 15 तक, या फिर आप लोग कह सकते हो अगले 15 दिन, मान लो उन्होंने 4 को अगर अनाउंस किया तो उसके बाद अगले 19 तारीख तक आपको रिवॉर्ड आ सकता है, मीन्स ऐसा भी हो सकता है आपको 15 को आ जाए, 14 को आ जाए, मतलब आपको ये कि मैक्सिमम ये लोग जो टाइम लेंगे वो 15 दिनों का लेंगे, आप लोगों को उसमें रिवॉर्ड मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप लोगों को तो बस उसके बाद नॉर्मल इन्होंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें लिखी हुई है कि हम लोग साथ में वर्क करते हैं, मिलकर हैकर्स को बैन कराते हैं, जस्ट इतना ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से इस वाले इवेंट में रजिस्टर कर सकते हो, किस तरीके से इसमें वर्क कर सकते हो, बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करने वाला चीज़ है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म है जिसको फिल करना काफ़ी ईजी है, यहाँ से आप लोग कर लोगे, लाइक सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि आप लोग किस कंट्री से हो, तो यार यहाँ पे आप लोग देख लो जो भी आपकी कंट्री है फिल कर लेना, एंड आपको मैंने बोला था ना इंडिया वाले भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको इंडिया भी मेंशन दिख जाएगा, अपनी इंडिया को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, देन आप लोग
आपसे ये बोलेगा कि आपकी एज क्या है, तो देखो यार मिनिमम आपको 14 से ऊपर होना जरूरी है, तो यार यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो अपनी, फिल कर सकते हो एज जो भी है आप लोग। वैसे मैं आपसे ये बोलूंगा कि यहाँ पर 20 प्लस करना, क्योंकि मैंने एक बार 18 के आसपास अपनी एज इसमें फिल की थी लेकिन वो हो नहीं रहा था, तो आप लोग यहाँ पे कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट पे चले जाना, ये कुछ आप लोगों को पॉलिसीज बताएगा उनको एग्री कर लेना, नॉर्मल है यहाँ पे। उसके बाद एक और बार आपसे बोलेगा एग्री करने को, देन उसको भी आप लोग एग्री कर लेना, कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे मेन चीज आती है जो आप लोगों ने फिल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस टाइप के हैक है जिसको आप लोग रिपोर्ट करने वाले हो। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है क्योंकि मैं किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एम बॉट लिख दिया मैंने, बट आप लोगों को जो भी रिपोर्ट करना हो बिल्कुल अच्छे से लिखना और थोड़ा डिस्क्राइब भी कर देना तो बेटर रहेगा। आफ्टर इट सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जो वो हैक्स है वो कहाँ यूज होते हैं, मोबाइल पे होते हैं, मिलिटर पे होते हैं। तो मेरे हिसाब से जितने भी हैक होते हैं वो दोनों जगह पे होते हैं, बट मुझे पता नहीं ज्यादा, तो आप लोगों को जितना भी पता हो सबसे कर देना। फिलहाल यहाँ पे मैं बहुत कर देना जितना मुझे लगता है। देन उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आप लोग चाहो तो उनके डायरेक्ट ग्रुप को ही कर सकते हो, जहाँ पे वो लोग बेच रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आपका मर्जी, आप लोग करना चाहो जैसा भी रहेगा। मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ प्रोसीजर। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो वेबसाइट, ग्रुप, डाउनलोड सोर्स जो भी है, तो उसको आप लोग यहाँ पे क्लिक करके उसका लिंक दे सकते हो, क्योंकि हर जगह का लिंक होता है जो कि शेयर करने वाला लिंक होता है। तो आप लोग उसको डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप लोग कर सकते हो, नहीं है मेरे पास। एंड उसके बाद आप लोग को ये चीज़ बहुत ध्यान से लिखनी है कि यहाँ पे आप लोगों ने जो अपनी न्यूमेरिकल में आपकी एक नंबर्स में आईडी नहीं होती, जो आपका टैग होता है, उसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग जीतोगे तो आपको उसी जगह पे आपको रिवॉर्ड आएगा जो भी आपका रिवॉर्ड रहने वाला है। तो मेक श्योर ये सही से करना। एंड उसके बाद जो लास्ट में जो भी चीटर है, जो भी बंदा आपने चीट करता हुआ देखा है, उसकी भी यूजर आईडी आप लोगों को डालनी पड़ेगी, जिससे पबजी मोबाइल वाले वेरीफाई करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था सेकंड प्रोसेस यही रहेगा, आप लोग वहाँ पे सबमिट करोगे, देन वो लोग वेरीफाई करेंगे कि आपने सही चीज तो बताई है, देन वो लोग वेरीफाई करेंगे एंड उसके बाद आप लोग डायरेक्ट इसको सबमिट कर देना। एंड गाइस अगर आप लोग इस इवेंट को काफी अच्छे से समझना चाहते हो एंड पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक एक दे दिया है, जो फर्स्ट लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में वही वाला है, जाके आप लोग क्लिक करो, वहां से पार्टिसिपेट करो। इवेंट के बारे में मैंने लिख भी दिया, वहां पे थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना। आफ्टर गाइस थोड़ी सी बात कर लेते हैं पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में भी, कि क्या वो 2020 के एंड तक आ सकती है या फिर उसके बाद ही आने की भी उम्मीद है। तो बेसिकली हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं। लाइक पहले यहाँ पे ये था कि 15 को आने वाली है, 14 को आने वाली है, देन बोला 19 को आने वाली है, देन 22 को आने वाली है। तो यार यहाँ पे मैं रोज तो आप में से काफी लोग कमेंट आ रहे थे वीडियो नहीं बना रहे, तो मैं क्या वीडियो बनाऊं कि आज के दिन गेम आने वाली है, कल आने वाली है, ये न्यूज आई, वो न्यूज आई, मतलब एक ही चीज को बार बार रिपीट करता रहूं या छोटी छोटी कोई न्यूज आ रही है बताता रहूं। तो देखो यार जैसे आप लोग प्लेयर्स हो, तो मेरे को भी वो चीज, मैं भी एक प्लेयर हूं, पहली बात मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं एक प्लेयर भी हूं, तो मुझे भी वो चीज काफी खराब लग रही है कि गेम आ नहीं रही। मैं खुद एक्साइटेड था कि चलो 14 को गेम आएगी, 15 को आएगी, खेलेंगे, मजा आएगा, बट मैं खुद भी काफी मेरे को मतलब खराब लग रहा है कि गेम आ नहीं रही है, मैं भी उसकी काफी वेट कर रहा हूं। बाकी मतलब मुद्दे पे आते हैं, तो देखो एक चीज है कि यहां पे बोला गया था कि गेम आने वाली है, मतलब कमिंग सून, पबजी इंडिया ने खुद ही पोस्ट डाला था दिवाली के स्टिकर्स लगा के, दिवाली तो चली गई, क्रिसमस आने वाला है। तो मुझे नहीं पता, मतलब देखो एक नॉर्मल सी बात है, उन्होंने दिवाली के पोस्ट लगाए थे, वहां पे दिए चल रहे थे एंड कमिंग सून लिखा था, तो यहाँ पे 110% का प्लान था, दिवाली का जो हाइप होता है उसके अंदर गेम आएगी, ये चीज तो नॉर्मल है। हम लोग मतलब इतना तो आईक्यू सबके पास है कि दिवाली के वो लगे थे एंड वो लिखा था, तो गेम अभी आने वाली है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन अब तो क्रिसमस हो गया, दिवाली का तो पूरा हाइप खत्म, अभी तो क्रिसमस आने वाला है। तो यार यहाँ पे एक चीज कंफर्म है कि पबजी मोबाइल इंडिया रिलीज करने वाला था लेकिन गवर्नमेंट ने डिले कर दिया। एंड मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही कि पबजी मोबाइल वाले अपनी मर्जी से तो ऐसा बोला नहीं होगा कि दिवाली पे गेम आने वाली है, उन्होंने गवर्नमेंट से कुछ बात पूछ तो किया ही होगा। एंड उसके बाद अचानक से अब गवर्नमेंट वालों ने ये चीज कर दिया है कि भैया अभी हम लोगों को फिर से मीटिंग करनी है, ये करना है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा, मैंने कुछ वीडियोस भी देखा था, तो मतलब वैसे कंटेंट क्रिएटर्स ने बनाया हुआ था, वो लोग कह रहे थे कि फौजी की वजह से डिले हो रहा है, कि इंडियन गेम है, मतलब जान के गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन गेम ज्यादा ऊपर चली जाए एंड उसकी वजह से इंडिया में जो टैक्सेस आएंगे, जो फायदा होगा इंडियन गवर्नमेंट को भी फायदा होगा अगर एक्टिव प्लेयर्स ज्यादा होंगे। तो वहां देखो ये चीज तो सही है कि अगर इंडियन गेम चलेगा उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा कुछ हद तक तो इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएगा ही टैक्सेस के थ्रू एंड उससे वो लोग अच्छा काम ही कुछ करेंगे इंडिया के लिए। बट यार यहाँ पे ये भी चीज है कि अगर पबजी मोबाइल का सारा कुछ हो गया था तो ये इन्होंने रोका क्यों अचानक से, एंड सब कुछ अगर नहीं हुआ था तो उन्होंने पोस्ट ही क्यों किया। मुझे लगता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ हुआ ना हो, उन्होंने पोस्ट कर दिया ऐसे मुंह उठा के, तो ये चीज तो होगा नहीं। तो यार देखो यार अभी कुछ कह नहीं सकते, काफी क्रिएटर्स की मैंने वीडियो देखी थी क्योंकि 6-7 दिनों से वीडियो डाल नहीं रहा हूं, तो बैठा हुआ था मैंने यही वीडियो देख रहा, तो काफी लोग कह रहे हैं कि फौजी ही पहले आएगा उसके बाद ही पबजी को रिलीज करेंगे, क्योंकि अगर पबजी रिलीज हो गया तो फौजी कोई डाउनलोड नहीं करेगा। अभी तो मुझे खुद भी ये बात सही होती दिख रही है, बाकी पता नहीं यार, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताओ। एंड यस मुझे नहीं पता सही में बताऊं कि 2020 में गेम आएगा या नहीं आएगा, किसी को नहीं पता गेम आएगा नहीं आएगा। मुझे लगता है पबजी ऑफिशियल्स को नहीं पता कि वो लोग गेम कब रिलीज कर सकते हैं, हालांकि इतना कंफर्म है कि गेम आने वाला है। अब देखो 2020 में आता है, 2021 में आता है, मुझे तो चांस यही लग रहा है पहले फौजी आएगा उसके बाद ही पबजी इंडिया के आने के चांसेस है, बट लेट्स सी क्या होता है, अभी देखते हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताओ आप लोगों को क्या लगता है। एंड यस वो 10,000 यूसी वाला जो इवेंट है ना उसके अंदर पार्टिसिपेट कर लो, काफी सही चीज है। एंड आप लोगों को वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे दे दिया है, वहां से जाकर आप लोग कर लो, अच्छे से समझ जाओगे, वहां से पार्टिसिपेट भी कर पाओगे। तो चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रॉम चेंगो, बाय।